और ये बात तो हमको पहले से पता थी कि विराट कोहली जो है वो लीग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। नॉकआउट में क्या होता है ये हमने हमेशा से देखा हुआ है और आज भी देखा। अब इसके बाद दूसरी बात तो ये है कि अगर ये इस तरह से बदतमीजी करने वाले लोग, इस तरह से गाली गलौज करने वाले, इस तरह से अपने ही लोगों को शटअप कॉल देने वाले लोग अगर ये जीतते चले जाएंगे तो हमारा तो बिल्कुल ऊपर वाले के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि इस दुनिया में शराफत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है और ना शरीफ लोगों का कोई काम है। तो राजस्थान रॉयल्स जैसे लोगों का तो जीतना बनता है ना, और अब जरूर अब क्वालिफायर टू में जो एसआरएच के साथ मैच होगा तो इस बार एसआरएच के साथ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए ही है, और राजस्थान रॉयल्स के साथ तो खैर हमेशा से ही रहता है कि ये लोग शराफत से आते हैं, गेम खेलते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, हारते हैं तो भी वही और जीतते हैं तो भी कोई एक्साइटमेंट नहीं, तो भी कोई उछलना कूदना नहीं, तो भी कोई शटअप कॉल किसी को देना नहीं। मैंने तो आज तक पूरी जितनी भी 10 टीमें हुई हैं उसमें से किसी को भी मैंने शटअप कॉल देते हुए नहीं देखा है किसी दूसरी टीम को या किसी दूसरी टीम के ऑडियंस को। हाँ पिछले साल हमने एक बार गौतम गंभीर को जरूर आरसीबी की ऑडियंस को शटअप कॉल देते हुए सुना था, लेकिन अब उसमें तो आरसीबी खुद भी इन्वॉल्व थी, तो अब ये तो फिर टिट फॉर टैट होगा ना। और दूसरी बात ये है कि ये बात तो देखिए हम कितनी बार कहते हैं, आप लोगों को याद होगा अभी 4-5-6 वीडियोस पहले ही हमने कहा था कि जब जब मंजिल करीब आई है विराट कोहली ने अपनी टीम की लुटिया डुबाई है। तो विराट कोहली से हमें कोई ज्यादा उम्मीद बिल्कुल थी नहीं, जिस तरह से आज उसने खेला है वो वैसे ही खेलता है। ये सब लोग लीग खेलने वाले हैं यार, ये लीग वीग में बना देते हैं रन जब कोई प्रेशर नहीं होता है, सूरमा बन जाते हैं एकदम एक नंबर के, और बिल्कुल फिर वहां पे तो ऐसे सेंचुरीज और ये और वो। और अभी तो मैच खत्म होने के बाद मैंने देखा वो जियो सिनेमा का जो वो एंकर था वो कह रहा था कि 15 प्लेऑफ के मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं जिसमें से सिर्फ 250 बनाई है उसने। तो ये तो अब कोई हम रिकॉर्ड देखे या ना देखे हमको तो पता है ना यार, हमको मालूम है कि तुमको जब चाहिए तब तुमसे रन नहीं बनते हैं, जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता है तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है विराट कोहली। अब आज जाके किसको शटअप कॉल दोगे? आज हमने देखी नहीं शटअप कॉल, बाय द वे हमारी तो बड़ी इच्छा हो रही थी शटअप कॉल देखने की, लेकिन आज शटअप कॉल दी नहीं, जबकि तुम्हारे सारे पूरे वो आरसीबी के फैंस बैठे हुए थे वहां ऑडियंस में, इतनी ज्यादा मुझे लगता है जितने 87,000 ऑडियंस बैठे थे उसमें से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 75,000 तो आरसीबी के फैंस बैठे हुए हैं। और ये आरसीबी के फैंस से भी मुझे बड़ी शिकायत है यार कि तुम्हारी टीम, वही वाली बात है जो गौतम गंभीर ने कहा था, ना जीता है कभी ना कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे तो नखरे जो है वो बिल्कुल उनके कुछ हिसाब ही नहीं मिलते। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यार इस सड़ी हुई टीम का तो फेवर क्यों करते हो यार, इस टीम ने क्या किया है जो इस टीम का फेवर करते हो। फिर वहां पे मुझे वही गौतम गंभीर की बात याद आती है कि इस देश में हीरो वर्शिपिंग ज्यादा होती है, और हीरो जिस देश के लोगों ने हीरोज अपने क्रिकेटर बना रखे हो उस, मतलब क्या उम्मीद की जाए उस देश की जनता से। मुझे तो ये बड़ा अफसोस होता है, इस बार कोई भी आदमी ये बोलता है फलाना ही क्रिकेटर मेरा हीरो है, मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है कि इन लोगों के क्या संस्कार हैं। ये जोकर लोगों को हीरो बना के रखा है, ये विराट कोहली जैसे ये जो मतलब थू-थू करवाने वाले इनके तो बिहेवियर है ये, लेकिन ये लोग इतने स्मार्ट हैं ये वर्ल्ड स्टेज पे जाके नहीं करते हैं, ये यही अपने लोगों को ही गालियां देंगे, अपने ही लोगों को मिडिल फिंगर दिखाएंगे, अपने ही लोगों को शटअप कॉल देंगे। अब क्या हुआ आज क्या, लेकिन इसके बावजूद भी इनके फैंस इनसे कभी नहीं पूछेंगे कि भैया तुमने क्या किया यार, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। बेशर्मी की तो हद इतनी ज्यादा है, अभी भी जाके देखना इनका एक फंक्शन होगा वहां बेंगलोर में जाके फंक्शन होगा, ये क्या रे आरसीबी ने क्या कंटिन्यूस 6 मैच जीते थे और क्या। अब आप इस तरह की फालतू टाइप की अगर सेलिब्रेशन करोगे और उसमें फिर आप 1.5 लाख फैंस को बुला लोगे और उसमें 1-2-3 करोड़ रुपए खर्चा कर दोगे तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बाकी तो सच्चाई हमको तो पता है, बाकी तुम्हारे फैंस को ना कभी समझ में आएगी ना कभी आने वाली है, तो उससे तो हम तरस खाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भैया ये काम हमें बड़ी उम्मीद है कि जाके तुम जरा वर्ल्ड कप में तो करके बताओ यार, शटअप कॉल दे के बताओ किसी को फाइनल में, मतलब शर्म नाम की कोई चीज है इस दुनिया में कि नहीं है। जो भी है वो आरसीबी
कि टीम में भी विराट कोहली यही है सबसे ज्यादा, यही करता है सबसे ज्यादा गड़बड़। और उसके अलावा आरसीबी के फैंस, शर्म नाम की चीज इन लोगों को छू के भी नहीं गई है, मतलब कुछ किया नहीं आज तक। 17 साल से भाड़ झोंकते रहे हो, पैसे में आग लगाते रहे हो, टाइम खराब करते रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे नखरे देखने से मतलब बिल्कुल मिलते ही नहीं तुम्हारे। कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे कि यार कुछ तो आदमी एक बार जाके मिरर में अपनी शक्ल देखे कि भैया मैंने अचीव क्या किया है, क्या किया है मैंने आज तक क्रिकेट ग्राउंड में, आईपीएल के क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया है जो मैं इतना बड़ा सूरमा बन जाता हूं वहां जाके। अरे तुम्हारे होंगे 2000 करोड़, तुम्हारे बैंक में रखो अपने पास यार, इंडिया के लिए ढंग से खेलो। अब प्रॉब्लम यह है कि हम तुमको अभी तुम जहां जाने वाले हो वहां पे हम तुमको ना तो कोई मतलब कर्ज कर सकते हैं, ना कुछ गाली दे सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ले दे के अब तुम तो इंडियन टीम में हो। अब चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे विराट कोहली हो, कितनी बदतमीजी इन्होंने यहां की हो, कितनी पॉलिटिक्स की हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो वहां सपोर्ट करना ही पड़ेगा हमको, सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन भैया वहां जाके जरा शराफत से खेलो, इस बार जो इतना पैबंद लगे हुए हैं तुम्हारी पेंट में यार, उसका कुछ तो यार कुछ तो करो, उसका सलूशन निकालो, उसका कुछ तो इज्जत कमाओ जाके यार, कि हर बार की तरह चले आओगे भाई मुंह की खाके। क्या यार विराट कोहली कौन लोग हैं इसके फैन यार, क्या बेवकूफी की बात है। अभी मतलब आरसीबी के फैन से बात करो, और उसके बाद फिर जब वो ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, मुझे किसी ने आज भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है चोकली, अभी ये नाम तो मुझे बहुत पसंद आया इसका, चोकली नाम जिसने भी रखा है बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है इसके ऊपर, चोकली लीग मैच का डॉन ब्रेडमैन, या पता नहीं जो भी कह लो आप, लीग मैचेस में रन बनवा लो इससे, बाकी नॉकआउट की बात मत करो। अभी वर्ल्ड कप में देख लेना आप ये क्या करेगा, ये अभी देखना आप। मुझे तो मतलब अब तो मुझे भरोसा ही हो गया है कि इसके बस का है नहीं, इसके बस का है नहीं, लीग वीग मैच में इसको खिलाओ, नॉकआउट जब आए ना तो इसको भगा दो निकाल के टीम से, क्योंकि इससे होगा नहीं, इससे हो नहीं सकता है, ये किसी काम का है नहीं, ये बस बातें करवा लो इससे, बातें करवा के मैच जीते जाते ना तो आरसीबी की ट्रॉफी, अभी आरसीबी की कैबिनेट में ना 15 IPL की ट्रॉफियां होती, और विराट कोहली के घर में होते 2-4 वर्ल्ड कप। क्या यार, ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ना चैंपियंस ट्रॉफी, ना कुछ, कुछ भी नहीं, कुछ छू के नहीं गया है तुम्हारे पास से, तुम किसी ट्रॉफी को हाथ लगाने के लायक नहीं हो। लेकिन यहाँ अपने ही लोगों को शटअप कॉल दोगे, अपने ही लोगों को गालियां दोगे, अपने ही लोगों से लड़ाई करोगे, और उन प्लेयर्स से लड़ाई करोगे, उन प्लेयर्स से मुंहजोरी करोगे जो तुमसे बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो। अरे तुम इनके पैरों की धूल नहीं हो यार, क्या बकवास करता है ये विराट कोहली। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है इसके ऊपर, इसकी हरकतें देख के, और इसका जो फालतू का ये जो क्रेज बना के रखा हुआ है, इसको लीग मैच खिला के और उसके बाद सीधे इसको टिकट कटा के बाहर भेजना चाहिए वर्ल्ड कप से, कि तू अब निकल ले यहां से पतली गली से, तेरे बस का है नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो इसको बद्दुआ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये हमारी टीम है यार इंडिया की। लेकिन सच्चाई ये है कि होना यही वाला है, आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखना बिल्कुल, ये लोग यही कबाड़ा करेंगे, ये लीग मैच के शेर हैं, बाकी वहां ढेर हो जाता। मजा आया राजस्थान रॉयल्स जीती, शरीफ टीम जीतती है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा मैच हुआ, शरीफ टीम जीत गई, बदमाश टीम हार गई, बदतमीज टीम हार गई, और बदतमीज टीम हमेशा हारेगी और हारना भी चाहिए, अगर नहीं हारेगी तो हमारा तो मूड खराब हो जाए। अफसोस होता है कि ये जो आरसीबी के जो फैंस हैं, जो विराट कोहली की इस बदतमीजी को अप्रिशिएट करते हैं और वहां उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों को क्या संस्कार मिले हैं यार, ये घर में क्या यही करते हैं, इनके अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं ये सब बदतमीजी करने के लिए। मतलब ये बदतमीजी को कौन अप्रूव करता है, आप गेम खेल रहे हो उसमें सामने वाली टीम भी खेल रही है, आपने किसी और को इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखा है, नहीं देखा ना, तो फिर आप ये क्यों इसको इस चीज को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की जो यंग जनरेशन है वो इस तरीके का बिहेवियर करे, पता नहीं कहां कहां जाके नाक कटवाएंगे ये। और बाकी लोग देखिए दबी जबान में ही सही बोलते हैं और कुछ तो चुप रह जाते हैं। अब ये फॉरेन के जितने प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये इनकी मजाल नहीं है कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि इनको तो बीसीसीआई से बना के रखना है, ये तो अपने पैसे पीट रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे लोग अप्रूव करते हैं, ये जितने लोग कमेंट्री करते हैं, आपने देखा है शराफत से बात करते हैं सब लोग, सब शरीफ लोग हैं, कुछ एकाध हैं बदमाश केविन पीटरसन जैसे, लेकिन बाकी सब तो शरीफ है ना। ईयान बिशप, वेस्ट इंडीज के देखो आप,
कोई भी जो भी लोग हैं कितनी शराफत से बात करते हैं, और ये सारे लोग अपने जमाने के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन कोई क्रिटिसाइज करता नहीं है, क्योंकि किसी को क्या लेना देना है यार। पड़ोसी का बच्चा है बिगड़ रहा है, हमारा क्या जा रहा है यार, बाढ़ में जाए, हमको तो पैसे मिल रहे हैं ना बीसीसीआई से या आईपीएल से, बढ़िया है काम, तो कोई बोलेगा नहीं यार। लेकिन हम तो बोलेंगे ना, हमको तकलीफ है यार, हमारे देश का एटमॉस्फेयर तुम खराब कर रहे हो। और फिर बाकी लोग जो आम जनता है दूसरे देशों की, वो तो बोलती है ना कि यार ये क्या है तुम्हारा ये प्लेयर। अब पता नहीं आप लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैं तो मिलता हूं दूसरे देश के लोगों से, तो मुझे तो सुनना पड़ता है और फिर मैं कैसे डिफेंड करूं, तो वो तकलीफ हो जाती है वहां पे। कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया हुआ, राजस्थान रॉयल्स जीत गई, आरसीबी बाहर हो गई, आरसीबी को होना ही चाहिए था बाहर। अब आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या लगा आरसीबी के हारने से, या आप लोग क्या विराट कोहली का बिहेवियर अप्रूव करते हैं, या फिर विराट कोहली सिर्फ लीग मैचेस का अच्छा खिलाड़ी है और नॉकआउट्स में फेल होता है, इस बात से आप अग्री करते हैं या नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।